नहीं मिला कोनो मछरी हो जाए परी मन में फिक्र के खाई लेकिन खाक नहीं मिली और इसमें फसावे की तरीका आईबे ना करे गुच्छा करो वो नहीं पता रुको कोई नहीं खावा तो नहीं है फंसी गया वो दरिया आ गया एकदम में से रोहू है आगे है यार जो डाब लियो यार नहीं कुछ खराब देखो आगे देख भैया देखे बच्चा तो वीडियो अबे दूर करके बना भैया दिखा दे ये हो करे कुछ है ना ये बोला थे तो बोलियो आइन का बाबू देखो हां ऊपर ले लेके जा वेलकम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जो वीडियोस आपने अभी देखी हैं वो इसी चारे का कमाल है जो आज मैं ये चारा आप लोगों को बताने वाला हूँ, और इसका रिजल्ट बरसात के मौसम में बहुत ही ज़बरदस्त है। ये ख़ास तौर पर रोहू और मृगल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और डैम के अंदर इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। रुके हुए पानी में जो डैम होते हैं वहाँ पर आप इसको खेलेंगे बरसात के मौसम में, या ठंड के मौसम में, या गर्मी के मौसम में, कभी भी खेलें, लेकिन बरसात के मौसम में स्पेशल ये है। और ठंड और गर्मी में कुछ चेंजिंग की जाती है, तो इस चारे को आप इस वक्त इस मौसम में खेलने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चारा है। तो इसको ज़रूर बनाएँ और गुच्छे में खेलें, या फीडर में खेलें, या लड्डू बनाकर खेलें, किसी भी तरह खेलें। रोहू और मृगल बहुत ही ज़बरदस्त इस पे खाता है, और ये ख़ास तौर पे डैम के लिए है, डैम में खेलें। तो सबसे पहले आपको लेना है गेहूं का आटा 200 ग्राम, जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे ही आपको करना है, अपने पास से कुछ चेंजिंग नहीं करना है। 150 ग्राम आपको लेना है मकई का आटा, पीली मकई का आटा 150 ग्राम, 150 ग्राम, और 200 ग्राम गेहूं का आटा। इसमें भुने हुए चने का आटा लेना है आपको 50 से 75 ग्राम तक, ये भी इसमें डाल दें। भुने हुए चने का आटा है, जिसको चने के सत्तू बोलते हैं, वो भी इसमें डाल दें, और इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसमें बहुत ही ज़्यादा चीज़ें नहीं डालनी, नहीं तो चारा ख़राब हो जाता है। उसके बाद में जो मेन चीज़ आपको डालनी है, ये मूंगफली की खल है, और इसमें घी और शहद अच्छी तरह से मिक्स करके, और चराई पाउडर, तीन चीज़ें घी, शहद और चराई पाउडर अच्छी तरह से मिक्स करके इसको 3 दिन के लिए रख दिया था, और उसके बाद में इसको उसमें डाला जाएगा। ये भी आपको लेना है 150 ग्राम मूंगफली की खल में शहद और घी और चराई पाउडर डाल के 3 दिन के लिए पॉलीबैग में रख देना है। उसके बाद में इसको निकालना है, तब इसमें मिक्स करना है, तो उसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, जो रोहू और मृगल को, ख़ास तौर पर मृगल के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चारा है। जहाँ पर भी रुका हुआ पानी हो, ठहरा हुआ, बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है, वहाँ पर एक बार ज़रूर खेलें। उसके बाद में इसमें डालना है गुलाब जामुन का शीरा, थोड़ा सा 50 ग्राम तक डाल दें इसमें गुलाब जामुन का शीरा, और बहुत ही अच्छी तरह से आपको किसी बड़े बर्तन में मिक्स करना है। ये छोटा बर्तन है, आपको किसी बड़े बर्तन में अच्छी तरह से मिक्स करना है, दोनों हाथों से रगड़ के। जितना आप इसको रगड़ेंगे उतना ज़बरदस्त इसमें, उतनी ही ज़बरदस्त खुशबू इसमें पैदा होगी। थोड़ा सा पानी डालेंगे, अगर आपको फीडर में खेलना है तो इसको थोड़ा भुरभुरा बनाना होगा, बिल्कुल आटे की तरह नहीं गूंदना है। अगर गुच्छे में खेलना है सिंगल हुक पे, तो ये आटे की तरह गूंदना है, मुलायम, और लड्डू पे खेलना है तो भी थोड़ा मुलायम ही गूंदना है आटे की तरह, बिल्कुल रबड़ की तरह नहीं करना है, नहीं तो मछली काट नहीं पाती मुँह से। बस इतना मुलायम होना चाहिए कि अपने मुँह से मछली काट ले। बहुत ही अच्छी तरह से इसको गूंदना है,
अगर फीडर में खिलना है तो थोड़ा भुरभुरा रखना है, इतना गीला आपको नहीं करना है। ये देखिए बिल्कुल ऐसी ही कंडीशन चाहिए चेहरे की। इसको चाहे सिंगल हुक में खेलें या गुच्छे में खेलें या फीडर में, किसी भी तरह से खेल सकते हैं। और रुके हुए पानी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चारा है, एक बार इसको इस्तेमाल ज़रूर करें। चराई करके इसको इस्तेमाल ज़रूर करें और जो रिज़ल्ट मिले कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।